हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने पिछला वीडियो जो कल हमने अपलोड किया था TGGPG संबंधित, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो आशा करते हैं आपने जो क्वेश्चंस होंगे वो आपने देखा होगा किस तरीके के क्वेश्चन जो है पिछले लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में आते रहेंगे। तो अब जो हम आज बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की, जो ऐसे क्वेश्चन जो पिछले एग्ज़ाम में कई बार आए हैं तो उनकी बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, तो शुरू करते हैं आज का। इसको मैं रेज करता हूँ। सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन का नंबर। अब हमारे पास क्वेश्चन है, इफ ए बी आर दी रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो एंड सी कॉमा डी आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो देन दी वैल्यू ऑफ ए माइनस सी इंटू बी माइनस सी इंटू ए प्लस टी इंटू बी प्लस डी, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको अरेंज करेंगे क्योंकि हमें जो रूट्स दिए हैं इसकी इक्वेशन के ए और बी दिए हैं, तो उनका मूल गुणन यू फल कितना आएगा, ए प्लस बी इक्वल टू माइनस बी अपान ए, यहाँ से आ जाएगा माइनस पी अपान वन इक्वल टू माइनस पी और मल्टीप्लीकेशन आएगा ए इंटू बी, ये आएगा हमारे पास सी अपान ए यानी कि वन अपान वन इक्वल टू वन, ये वैल्यू मिल गई हमें। उसी प्रकार हमें इसके रूट्स क्या दिए, सी और डी दिए गए इस इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो हमें इसके रूट सी और डी दिए, तो मूलों का योगफल हो क्या होगा, सी प्लस डी इक्वल टू माइनस बी पाने यानी माइनस बी दिए गए माइनस क्यू पान वन इक्वल टू माइनस क्यू, यहाँ से क्या आएगा सी इंटू डी यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रूट्स क्या आएगा वन अपान वन यानी कि वन आ जाएगा, हमें ये वैल्यू दोनों पता है यहाँ से। अब हमें इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके जैसे ही सॉल्व कर लेंगे तो हमारी वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। अब चलिए इसी को सॉल्व करते हैं, ये है ए माइनस सी बी माइनस सी ए प्लस टी और बी प्लस डी, ये क्वेश्चन आया है TGT 2015 में, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2015 में, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं देखते हैं क्या आएगा। यहाँ से क्या मिलेगा हमें, ए का इसके साथ करेंगे ए बी, उसके बाद माइनस ए सी, उसके बाद माइनस बी सी और माइनस वन प्लस सी इसमें, ये हमें कितने से मिला, उसके बाद उसके जो सॉल्व करेंगे तो आएगा ए बी, ए बी यहाँ से आएगा, उसके बाद ए डी आएगा प्लस ए डी प्लस बी डी प्लस क्या मिलेगा डी स्क्वायर, तो यहाँ से हमें इस तरीके से इक्वेशन मिलेगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें ए बी की वैल्यू कितनी दी गई, वन दी गई है, इसको रख देते हैं यहाँ से वन माइनस, यहाँ हम लोग कुछ कॉमन ले लेंगे, देखते हैं सी मिल जाएगा हमें, सी यहाँ से हमें कॉमन मिल जाएगा, तो माइनस सी ये आएगा ए प्लस बी, उसके बाद प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद ए बी की वैल्यू वन रखेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पर डी हमें कॉमन मिल जाएगा, आएगा ए प्लस बी प्लस डी स्क्वायर, तो इस तरीके से हमें इक्वेशन मिलेगी। अब हमें पता ए प्लस बी का कितना आया पर माइनस पी और ए प्लस बी यहाँ भी लिख देंगे माइनस पी, इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन हमें मिली वन माइनस सी, ए प्लस बी कितना आया पर माइनस पी, तो प्लस हो जाएगा प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ऐसे ही आएगा वन प्लस ए प्लस बी है माइनस बी, तो माइनस पी डी आएगा माइनस पी डी
प्लस डी स्क्वायर, ये इक्वेशन में मिल गई। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सॉरी अभी नीचे लिख लेते हैं इसको, हम लोग इसको ऊपर लिख लेंगे। वन का मल्टीप्लाई करेंगे वन आएगा, माइनस पी डी आएगा, उसके बाद प्लस डी स्क्वायर आएगा, उसके बाद पी सी का इसमें पूरे साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस पी सी माइनस पी स्क्वायर सी डी प्लस पी सी डी स्क्वायर प्लस यहाँ से भी मिलेगा सी स्क्वायर माइनस पी डी इंटू सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और डी स्क्वायर। इसको हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो ये वैल्यू हमें हम लोगों को मिल गई। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इस तरीके की वैल्यू मिल जाएगी हमें। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से इसको हम इरेज कर रहे हैं, इसको जब इरेज करेंगे आप लोग यहाँ देखेंगे वन माइनस पी डी प्लस डी स्क्वायर ऐसे रखेंगे प्लस पी सी माइनस पी स्क्वायर, क्योंकि हमें जो सी डी की वैल्यू थी ए वी और सी डी वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं अलग से, ए वी इक्वल टू सी डी टू वन, ये वैल्यू हम लोग यूज करेंगे इसमें। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा वन माइनस पी डी ऐसे रखेंगे पी डी प्लस डी स्क्वायर प्लस पी सी, प्लस पी सी ऐसे रखा माइनस सी स्क्वायर, सॉरी माइनस पी स्क्वायर, सी डी की जगह बन रख देंगे तो ये आएगा माइनस पी स्क्वायर, उसके बाद प्लस पी डी स्क्वायर याद आ गया प्लस पी डी याद आएगा पी डी, तो एक सी डी की जगह हम लोग यूज कर लेंगे वन, तो आएगा प्लस पी डी, प्लस पी डी आ गया, उसके बाद प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद माइनस एक सी डी की जगह हम लोग यूज कर लेंगे तो प्लस पी सी आएगा यहाँ से प्लस सी डी, ये भी बनाएगा वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा वन, तो इसको लिख लेते हैं। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वन इंटू वन और प्लस वन क्या आ जाएगा टू प्लस, यहाँ से देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, तो ये पी डी कैंसिल हो गया, उसके बाद पी सी एड हो जाएगा तो आ जाएगा टू पी सी और सी स्क्वायर डी स्क्वायर यहाँ से प्लस टू पी सी स्क्वायर, सॉरी टू पी सी, टू पी सी ये टर्म बाउंड हो गया, उसके बाद सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और ये बचा माइनस पी स्क्वायर, माइनस पी स्क्वायर, इसको हम लोग यूज करेंगे। अब सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यहाँ से हम लोग इसको हल करेंगे, तो एरेज कर देते हैं यहाँ से, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा टू यहाँ से शायद हमें अगर ये पी सी पी सी कैंसिल होगा थोड़ा डिस्प्रिंट हो गया, मैंने एरेज भी कर दिया है तो ये जो पी सी जो है यहाँ से कैंसिल होगा। आप लोग देख लेना थोड़ा पी सी पी सी जो है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा डिस्प्रेंट हो गया है, ये पी सी यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगी इसकी, तो ये नेगेटिव वैल्यू ये पॉजिटिव वैल्यू इससे कट जाएगा, तो यहाँ से हमें ये मिलेगा टू प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब हमें दिया है टू प्लस, इसको हम लोग इस फॉर्मूले को खोलेंगे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसको हम लोग लिख लेंगे सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस टू सी डी, माइनस टू सी डी अलग से कर लेंगे माइनस टू सी डी माइनस पी स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा टू प्लस सी प्लस डी की वैल्यू हमें कितनी दी गई माइनस क्यू, माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू इंटू सी डी वैल्यू हमें पता है बन दी गई थी वन माइनस पी स्क्वायर,
अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए टी ए टू टू इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, होपफुली ये क्वेश्चन भी अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों का शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द नंबर ऑफ ऑलमोस्ट नेगेटिव रूट्स इन एक्स पावर नाइन प्लस फाइव एक्स पावर एट माइनस एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, यानी कि इसमें अधिक से अधिक ऋणात्मक रूट्स कितनी होगी, ऋणात्मक रूटों की संख्या कितनी होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया हमसे। ये क्वेश्चन आया था टी जी टू थाउजेंड फिफ्टीन में। ऑप्शन है ए है वन, बी है फोर और सी है थ्री एंड डी है टू। तो ये हमें ऑप्शन दिए गए, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो गिवन इक्वेशन है यानी कि एक्स पावर नाइन प्लस फाइव एक्स पावर एट माइनस एक्स थ्री प्लस सेवन एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, इसमें क्या करेंगे पुट करेंगे एक्स की जगह माइनस एक्स, एक्स की अगर माइनस एक्स रखेंगे और ये देखेंगे कि एक्स की जगह माइनस एक्स रखने से समीकरण के मान में कुछ परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो उस इक्वेशन को देखते हैं किस तरीके से हो रहा है। एक्स की पावर माइनस एक्स रखेंगे तो यहाँ से क्या आएगा माइनस एक्स की पावर फोर नाइन प्लस फाइव माइनस एक्स की पावर एट माइनस माइनस एक्स की पावर टू प्लस सेवन माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो ये हमें इक्वेशन मिली क्योंकि इसकी इसका मान क्या आएगा, क्योंकि ये निगेटिव पावर है तो यहाँ से हमें माइनस एक्स की पावर नाइन आएगा प्लस फाइव, ये पॉजिटिव पावर है इसलिए एक्स की पावर एट यानी पॉजिटिव मान हो जाएगा इसका। उसके बाद यहाँ निगेटिव है तो इसका मान हो जाएगा निगेटिव, तो निगेटिव और निगेटिव प्लस यानी कि एक्स क्यू माइनस सेवन एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कहाँ कहाँ इसके मान को प्रभावित कर रहा है, एक्स के माइनस एक्स तो एक तो यहाँ कर रहा है और यहाँ पर कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है, उसके बाद यहाँ पर कर रहा है, यानी तीन जगह जो है हमारी वैल्यू जो है इस इक्वेशन को प्रभावित कर रही है, इसलिए निगेटिव रूट्स इसके कितने हो जाएंगे थ्री। तो इस तरीके से हैंस निगेटिव रूट्स इक्वल टू थ्री। तो ये हमारा क्वेश्चन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा ट्रिक वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यू माइनस फिफ्टीन एक्स माइनस वन ट्वेंटी सिक्स इक्वल टू जीरो, इसके हमें रूट्स निकालने हैं क्योंकि ये इक्वेशन कैसी थर्ड डिग्री की इक्वेशन है। ऑप्शन हैं सिक्स इक्वल टू रूट थ्री आई माइनस माइनस थ्री माइनस टू रूट थ्री आई, तो इस तरीके से आप ऑप्शन दे दीजिए। ऑप्शन में चार ऑप्शन दिए गए, काफ़ी क्लोज ऑप्शन दिए गए, तो देख रहे हैं सब में क्या है कि सिक्स जो है सब में एक रूट्स दे रहे हैं, तो हम लोग रख के देखते हैं इसमें क्या ये सिक्स इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसके लिए हम लोग मान लेंगे एक्स जीरो सिक्स, तो रखते हैं आप सिक्स का क्यूब माइनस फिफ्टीन इंटू सिक्स माइनस ट्वेंटी सिक्स कितना आएगा देखते हैं। सिक्स का क्यूब कितना टू हंड्रेड सिक्सटीन माइनस फिफ्टीन सिक्स नाइनटी माइनस ट्वेंटी सिक्स ये आ रहा टू हंड्रेड सिक्सटीन माइनस ए भी टू हंड्रेड सिक्सटीन आ रहा सिक्स टू इलेवन, तो इस तरीके की वैल्यू जीरो आ रही है जो कि आ रही सिक्स, यानी कि इक्वेशन जो है एक्स इक्वल टू सिक्स जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक्स इक्वल टू सिक्स क्या हो जाएगा, इसका एक रूट हो जाएगा, ये हम लोग जानते हैं। यहाँ से हमें एक क्लू मिल गया इस क्वेश्चन को हल करने का, एक्स इक्वल टू सिक्स क्या है इसका रूट है, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। अब लोग हम लोग क्या करेंगे इस इक्वेशन को x माइनस सिक्स से डिवाइड करेंगे, यहाँ से ये आप लोगों ने क्लास एट में पढ़ा होगा इस तरीके से इसको डिवाइड करते हैं। अब हमें यहाँ x है यहाँ एक्स क्यूब बनाना, तो हम लोग क्या करेंगे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर इसको ब्रैकेट लगाएंगे, ये घटाएंगे यहाँ पर तो यहाँ माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा ठीक है। अब ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये वैल्यू पॉजिटिव है यानी कि सिक्स एक्स स्क्वायर
माइनस 15x, इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें यहाँ लाना है 6, तो प्लस 6 एक्स हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6x2, इसको हमें कैंसिल करना था। उसके बाद प्लस माइनस 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 36x, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस यानी घटाएंगे इसको तो माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ये प्लस, इसकी वैल्यू प्लस तो आ जाएगा प्लस 36 और माइनस 58, फिर हमें मिलेगा 16। यहाँ से हमें मिला 21x, उसके बाद ये इसको नीचे इसको डाल लेंगे, यहाँ से आएगा माइनस 126, इसको सॉल्व करते हैं तो हमें 126, हमें यहाँ 21 लाना है तो प्लस 21 से यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 21x माइनस, आपको पता 21 6 जा 126 होता है तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा 126। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 0 मिल जाएगा। अब हमें ये एक इक्वेशन मिल गई, यहाँ से एक इक्वेशन यहाँ से मिल गई, हमें एक पता चल गया कि x इक्वल टू 6 इसका एक रूट है, तो 6 तो एक रूट हो गई। अब हमें इस इक्वेशन को सिर्फ हल करना है, इस इक्वेशन को हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, श्री धराचार फार्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे, एक्स इक्वल टू माइनस बी यानी कि माइनस 6 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम लोग रूट जानते हैं एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। कभी कैसे होता है जब इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हो, इस तरीके से हम लोग सी धराचार फार्मूला लगाएंगे यहाँ से, बी की जगह यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो 6 आएगा प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, ए यहाँ पर हमें 1 है और सी है 21, यहाँ से इसको 5 इंटू ए 1 है तो यहाँ से मल्टीप्लाई 1 होगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ से उसको सॉल्व करते हैं तो माइनस 6 प्लस माइनस रूट 6 का स्क्वायर 36 माइनस 21 हो जाए 84 अपॉन 2। हम इसको सॉल्व करते हैं माइनस 6 प्लस माइनस 2, निगेटिव में वैल्यू आएगी इसकी, इसको हटाते हैं 4 में से 6 गए 8 7 में से 3 गए तो आएगा 4 माइनस 6 48 अपॉन 2। अब हमें पता है इसको हम लोग जानते हैं अंडर रूट माइनस 1 इसकी वैल्यू होती है आई, जान गए। अब 48 को इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि हमें ये कुछ रूट में वैल्यू आएगा, 48 के हम लोग फैक्टर निकाल लेंगे यहाँ से, 48 के रूट निकाल लेंगे उससे काटेंगे, उसके बाद 12 2 6 जा 2 3 जा 3 1। तो यहाँ से हमें रूट में क्या होगा जुड़ा बनते हैं 2 2 4, तो 4 दोबारा आ जाएगा हमारा, तो आ जाएगा माइनस 6 प्लस माइनस 4 रूट 3i अपॉन 2, ये हमें वैल्यू मिल गई यहाँ से, आप लोग देख रहे हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करना रह गया हमें, 2 से हमें जो डिवाइड करना रह गया इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 3 प्लस माइनस 2√3i। एक तो रूट हमें 6 मिल गया, उसके बाद माइनस 3 प्लस, देखो माइनस 3 प्लस इसमें है और इसमें है, हमें एक बार प्लस वाला देखना है तो ये हो गया प्लस, एक बार माइनस वाला इस तरीके, क्योंकि यहाँ 6 माइनस नेगेटिव है तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 6 माइनस 3 माइनस 2√3i माइनस 3 प्लस 2√3, तो यहाँ से हमें रूट इस तरीके से लोग फाइंड आउट कर लेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x8 प्लस 3x4 प्लस x2 प्लस 7 इक्वल टू 0 इज, यानी कि इस इक्वेशन के हमें वास्तविक
मूल पूछे कितने मात्रिक मूल हैं, ऑप्शन है 2, 4, 6, 3। ये क्वेश्चन काफ़ी छोटे क्वेश्चन होते हैं लेकिन देखने में ये लगता है बहुत बड़े क्वेश्चन हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रियल सम से पूछा गया तो हम लोग इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे, पुट करेंगे एक्स की जगह माइनस एक्स। अगर एक्स की जगह माइनस एक्स रखा इस इक्वेशन पर कोई असर नहीं हुआ, यानी कि सेम इक्वेशन ही आ गई, यही इक्वेशन आ गई, तो इसके लिए सोल्यूशन क्या होगा, जीरो। अगर जितने टर्म को ये प्रभावित करेगा उतने उसके उसके रियल सम हो जाएंगे, ये रूट्स हो जाएंगे। चलिए रखते हैं 2 - x^8 + 3 - x^4 - x^2 + 7 = 0। अब देखो क्योंकि x जो है पॉजिटिव पावर लगी तो यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, यहाँ भी 3x^4 + x^2 + 7 हमें वही इक्वेशन मिल गई। इसके हमें इस तरीके से हमें क्या रियल रूट्स कितने होंगे, जीरो। रियल रूट्स हमें कितने मिलेंगे, जीरो। इस तरीके जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन बनेगा डी ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ़ द पॉलीनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x^4 + k x^3 - 75 k इज डिवाइडेड बाई एक्स, यानी एक्स से इसको डिवाइड किया जाता है, द रिमाइंडर इज 150, दैन द वैल्यू ऑफ के विल बी, ऑप्शन से -2 - 1 - 2। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग क्या करेंगे इसको, ये क्वेश्चन आया TGT 2011 में क्वेश्चन आया है, इसको सॉल्व करते हैं। हमें ये कहा गया है कि x से इसको डिवाइड करते हैं, तो इसमें पॉलीनोमियल क्या है 2x^4 + k x^3 - 75 k, तब हमें जो रिमाइंडर बचता है वो बचता है 150 हमें रिमाइंडर मिलता है। तो पूछा गया k की वैल्यू क्या होगी, k की जो वैल्यू होगी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसाइन प्लस रिमाइंडर, ये हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है। हम लोग यहाँ देखेंगे रिमाइंडर जो है यहाँ से 75 k मिल रहा है, यहाँ से हमें रिमाइंडर कितना मिला 75 k, तो ये जो 75 k होगा वो 150 के इक्वल होगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 150 के इक्वल, तो यहाँ से 75 k इक्वल टू 150 ये यहाँ से मिल जाएगा, माइनस का था -75 k = 150। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो k आएगा -2, ये यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ 1 ω and ω² are the cube roots of MD, आप लोगों ने पढ़े होंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होते हैं 1 ω और ω² और इसकी कंडीशन भी पड़ी हुई है, पूछा गया a + b ω + b ω² × a² + b ω = what, ऑप्शन से 0, 1, a + b और a³ + b³। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़े होंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कंडीशन ये होती है 1 ω + ω² = 0 होता है और ओमेगा क्यूब का मान होता है 1। अब हम लोग इसमें इसको यूज करेंगे, कहीं से हमें क्यूब रूट मिल गया हल करेंगे, हमें जो दिया है a + b, उसके बाद a ω + b ω², उसके बाद a ω² + b ω, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग a + b ऐसे रखेंगे, a + b
इसका मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, फर्स्ट टर्म का पूरे के साथ होगा, सेकंड टर्म का पूरे के साथ, यानी ए ओमेगा स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ओमेगा क्यूब प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा पावर फोर प्लस वी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ये टर्म मिलेगा हमें ओमेगा क्यूब दिया है वन, तो यहाँ इसको यूज करेंगे हम लोग, ए प्लस बी ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस, यहाँ हम लोग इसमें ए बी कॉमन ले लेंगे, ए बी कॉमन ले लेंगे तो आएगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से हमें ओमेगा ओमेगा क्यूब का ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा कर लेंगे, तो ओमेगा क्यूब का मान होता है वन, यहाँ बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब का मान वन, यहाँ से बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आ गया ए प्लस बी, यहाँ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, हम लोग यहाँ से देखते हैं यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हमें निकालना है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो आएगा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल माइनस वन, ये बार इधर चला जाएगा, यहाँ पर आएगी वैल्यू निगेटिव, तो यहाँ से हमें जो मिला है फार्मूला बन जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आप लोग जानते हैं ये फार्मूला किसका है, तो ये फार्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू का, तो इसको लिख लेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू, तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वन ग्रेटर देन फाइव देन एक्स कहाँ कंटेन करेगा, तो ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं मॉड ऑफ एक्स कैसा होता है, पॉजिटिव एक्स कब होता है जब एक्स जीरो से बड़ा होता है, और नेगेटिव एक्स जब होता है जब एक्स जीरो से छोटा होता है, ये कंडीशन हम लोग यहाँ लाते हैं, इसको पूरा मॉड एक्स मान लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, एक बार पॉजिटिव लेते हैं, एक बार पॉजिटिव लेते हैं, तो एक्स माइनस वन ग्रेटर देन फाइव, तो यहाँ से आएगा एक्स ग्रेटर देन ई माइनस वन उधर चला जाएगा तो आ जाएगा सिक्स, यानी एक्स वैल्यू सिक्स से बड़ी आएगी, यहाँ पर क्या आएगी सिक्स से बड़ी आएगी, तो यहाँ से एक्स में क्या कर लेगा, एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्स बिलोंग टू सिक्स से इन्फिनिटी, यानी सिक्स से बड़े जो नंबर है उनमें कंटेन करेगा इन्फिनिटी से। उसके बाद अगर हम इसको नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे तब क्या होगा, एक्स माइनस वन ग्रेटर देन फाइव, यानी कि जब ये माइनस एक्स लिया हमने, माइनस एक्स माइनस वन ग्रेटर देन फाइव, अब हमें माइनस चिन्ह से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो चिन्ह है ग्रेटर का ये लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एक्स माइनस वन ग्रेटर देन माइनस फाइव, इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस सॉरी एक्स लेस देन माइनस फाइव, ये प्लस को दरबन हो जाएगा तो ये आएगा माइनस फोर, तो यहाँ से जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है एक्स जो है किससे छोटा है, माइनस फोर से, यहाँ जो कंटेन करेगा वो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस फोर तक, तो इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो हमें जो मिलेगा एक्स बिलोंग्स टू, पहले हम लोग नेगेटिव से चलेंगे माइनस इन्फिनिटी टू माइनस फोर यूनियन सिक्स कामा इन्फिनिटी, क्योंकि इसमें ग्रेट लेस आर इक्वल का चिन्ह नहीं है या ग्रेटर इक्वल का चिन्ह है, तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल की कोई बात ही नहीं है, सीधा सीधा कम या ज़्यादा की बात है, ओपन इंटरवल में ये होता है कि वो एंड पॉइंट जो होते हैं वो शामिल होते हैं, और क्लोज इंटरवल में सॉरी ओपन इंटरवल में क्लोज में जो एंड पॉइंट होते हैं वो शामिल नहीं होते, क्लोज इंटरवल में एंड पॉइंट शामिल होते हैं, तो यहाँ से ओपन इंटरवल बनेगा तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, यानी ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू माइनस फोर यूनियन सिक्स से इन्फिनिटी तक, तो इस तरीके से आप देख लीजिए कैसा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो बंद करते हैं ये आज का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।